पहली अपडेट मणिपुर से है, जहां स्किल लेबर और टैलेंट के क्षेत्र में करीब 11,000 एमएसएमईज ने रजिस्ट्रेशन किया है इंडियन स्टेट मणिपुर के अंदर। जुलाई से अब तक 200 करीब इन एमएसएमईज से 99,566 लोगों को जॉब मिली है। ये जानकारी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने ट्वीट करके दी। मणिपुर के सीएम ने कहा, मुझे ये बताते हुए बेहद गर्व हो रहा है कि मणिपुर एमएसएमईज के रजिस्ट्रेशन तथा जॉब प्रोवाइड करने के मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर वन ऑफ द टॉप स्टेट रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर राज्य को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया। दोस्तों 31 अक्टूबर 2021 तक करीब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर के अंदर 16,000 से भी अधिक एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें 15,984 एमएसएमईज माइक्रो एमएसएमईज हैं, जबकि 195 छोटे व्यवसाय हैं और 8 मीडियम एमएसएमईज हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम के अंदर भी काफी अच्छा रजिस्ट्रेशन हुआ है। असम ने इस मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर टॉप किया है। करीब असम के अंदर 56,658 एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल पे हुआ है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर त्रिपुरा है। त्रिपुरा में करीब 5,135 एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके अलावा मिजोरम और नागालैंड में भी 2,000 के करीब एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में 1,000 से 1,500 के करीब एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां साउथ ईस्ट यूपी ट्रांसमिशन कंपनी इसके लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई है। करीब इसके लिए 4 बिडर्स ने बोली लगाई थी इस ट्रांसमिशन फर्म के लिए। दोस्तों बात की जाए तो टाटा पावर ने 30 अक्टूबर 2021 को अपनी सब्सिडियरी रिसर्जेंट पावर वेंचर्स इसके जरिए बिड लगाया था। दोस्तों बात की जाए तो इस कंपनी के अंदर 26% स्टेक टाटा के पास है। दोस्तों बात करें साउथ ईस्ट यूपी ट्रांसमिशन फर्म की, तो ये एक यूरोपियन फर्म इंसोलक्स कॉर्सन इसके अंडर आती है। जुलाई 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार से इस कंपनी को 1,600 किलोमीटर लंबे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन के डेवलपमेंट तथा ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। 45 सालों के लिए इसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस कंपनी ने करीब 3100 करोड़ रुपए लोकल बैंक्स, वेंचर्स इन सब से लिए थे। ये कंपनी अब बैंकक्रप्ट घोषित हो चुकी है। इसके अलावा इसने भारत में जिससे कर्ज लिया था उनको भी कर्ज नहीं दिया, इसीलिए कानूनी प्रक्रिया के चलते इस कंपनी की बोली लगाई जा रही है। नेक्स्ट अपडेट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से है। यहाँ दोस्तों बोकारो बेस्ड कमलादित्य ट्यूसडे को एमर्ज हुआ है एज अ लोएस्ट बीडर टू डेवलप न्यू रेसिडेंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों बात की जाए तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस फर्म ने सीपीडब्ल्यूडी के एस्टिमेशन जो कि 214 करोड़ रुपए था, उससे करीब 3.52% कम रकम पे बोली लगाई। करीब 206 करोड़ रुपए इसने बोली लगाई है। इसके अलावा इसमें सैम इंडिया बिल्ड वेल पीवीटी लिमिटेड, स्वदेशी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेक वी प्रोजेक्ट्स, पीएसपी प्रोजेक्ट्स समेत और भी कई कंपनीज ने बिड लगाया था। सीपीडब्ल्यूडी ने अगस्त में बिड्स इनवाइट किए थे इसके कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पर दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव को 3 सालों के अंदर इसको बनाना होगा। ये नया कॉम्प्लेक्स राष्ट्रपति भवन के पास बनाया जाएगा मौलाना आजाद रोड पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर 15 एकड़ लैंड प्लॉट इसको यूज करने का अप्रूवल पहले ही दे दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट लद्दाख से है। यहाँ दोस्तों रिलायंस जियो ये पहला ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर बना है जिसने डैमचोक इसके अंडर लद्दाख का जो रीजन है यहाँ पर 4G वॉइस और डेटा सर्विस शुरू की है। इसने ईस्टर्न लद्दाख के विलेज में 4G सर्विस शुरू की है। जैमयांग तेजरिंग जो कि एमपी है ले से, इन्होंने डैमचोक के अंदर जियो मोबाइल टावर का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों इस मोबाइल टावर से बॉर्डर विलेज में अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। दोस्तों बात करें डैमचोक की, तो ये हाई अल्टीट्यूड पे लोकेटेड है, वहाँ पर रहने वाले लोकल रेसिडेंट्स और बीएसएफ को कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती, लेकिन अब इससे उन्हें बेहतरीन कनेक्टिविटी मिल पाएगी। नेक्स्ट अपडेट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। जहाँ दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके डिजाइन से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जहाँ दोस्तों हम जानते हैं कि एयरपोर्ट का डेवलपमेंट वर्क शुरू हो गया है। जोरिक एयरपोर्ट ग्रुप ने 1 महीने पहले इस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अभी इनिशियल वर्क हो रहा है। 2024 के अंत तक इसको पूरा करने का टारगेट बनाया गया है। दोस्तों जब इसके डिजाइन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया था, उन्होंने इसके डिजाइन को डिसअप्रूव कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि इसके डिजाइन में कुछ खास नहीं है, जिस कारण उन्होंने इसे डिसअप्रूव कर दिया। वहीं इसके लिए लोकल डिजाइनर्स को हायर किया गया। अब दोस्तों जो इसका डिजाइन निकल कर आ रहा है फिलहाल वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो नोएडा एयरपोर्ट का टर्मिनल होगा ये उत्तर प्रदेश के हेरिटेज से इंस्पायर होगा, यानी कि यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश की झलक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कई सारे टेंपल्स, हवेलीज इन सबको भी डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों अभी इसकी कोई इमेज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। जो अभी हमें इसका डिजाइन देखने को मिल रहा है इससे काफी हटकर टर्मिनल का डिजाइन होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट पानीपत हरियाणा से है। जहां दोस्तों IOCL इन्होंने कुछ समय पहले पानीपत रिफाइनरी में एक पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी सेटअप करने की बात की थी। वहीं दोस्तों इस पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को डेवलप करने का जो प्लान था इसको IOCL बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। अब दोस्तों पानीपत के अंदर करीब 3,681 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट से 54 मंथ यानी कि 4 सालों के अंदर एक पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा। दोस्तों इसके तहत करीब 120 किलो टन पर एनएम MF प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका यूज पॉलिस्टर, सरफेस कोटिंग, प्लास्टर्स, एग्रोकेमिकल, लुब्रिकेंट्स इन सब के प्रोडक्शन के लिए यूज होगा। आज के समय में पेट्रोकेमिकल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि ये हर सेक्टर में उपयोगी है। आज के समय में हम इसके लिए मोस्टली दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इसके निर्माण से करीब $150 मिलियन पर ईयर फॉरेन एक्सचेंज सेव हो सकेगा।
नेक्स्ट अपडेट इंडिया के ट्रेड से है, जहां दोस्तों अक्टूबर का डेटा रिलीज हुआ है, जिसके तहत देश का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ये 42.3% राइज हुआ है फाइनेंशियल 2020-21 के मुकाबले। इस रिपोर्ट के तहत भारत यूएस और चाइना के बीच ट्रेड काफी हद तक बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में भी बढ़ोतरी देखी गई है। करीब भारत ने $35.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। इसके अलावा दोस्तों इम्पोर्ट में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है, करीब $55.4 बिलियन का इम्पोर्ट हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इस महीने में पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा इंपोर्ट में ग्रोथ देखा गया है, इस कारण जो ट्रेड डेफिसिट है ये थोड़ा कम हुआ है। बात करें पिछले महीने तो ट्रेड डेफिसिट $22.6 बिलियन पहुंच गया था, जो अब घटकर $19.9 बिलियन पहुंच गया है। दोस्तों भारत के अंदर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, गोल्ड परचेस, इन सब में भारी ग्रोथ देखी गई है। यहाँ पर दोस्तों गोल्ड परचेस इसलिए बढ़ा है, देश के अंदर धनतेरस आने वाला था और इसकी डिमांड को देखते हुए पहले इसको काफी हद तक इंपोर्ट किया गया। इसके अलावा कोल, एडिबल ऑयल, इन सब का इंपोर्ट भी बढ़ा। वहीं दोस्तों पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जेम एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सब के एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई। जहां इंडिया का स्टार्टअप फेज टेक्नोलॉजीज इसे $17.4 मिलियन की फंडिंग रेज की है सीड राउंड में फ्रॉम टाइगर ग्लोबल। इसके अलावा पॉलिसी बाजार ने 1 नवंबर को अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है। दोस्तों जहां तक रिपोर्ट आ रही है इसके आईपीओ को 15.59 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब किया गया है, करीब इसके सब्सक्रिप्शन की वर्थ $7.53 बिलियन है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया का लॉजिस्टिक चेन स्टार्टअप डिलीवरी इसने सेबी के पास अपना आईपीओ अप्रूव करने के लिए भेजा है। दोस्तों बात की जाए तो ये करीब 7,480 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटाना चाहता है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।